खबर है रामपुर की, जहां पूर्व सांसद जयप्रदा ने कहा कि सांसद आजम खान ने मंत्री रहते जनता पर बहुत जुल्म किए हैं, अब उन्हें औरतों के आंसुओं की सजा मिल रही है। जेएन रामपुर पूर्व सांसद जयप्रदा ने कहा कि सांसद आजम खान ने मंत्री रहते जनता पर बहुत सारे जुल्म किए हैं और अब उन्हें औरतों के आंसुओं की सजा मिल रही है। फिल्म अभिनेत्री एवं पूर्व सांसद प्रत्याशी के समर्थन में हुई नुक्कड़ सभा को संबोधित कर रही थी। कहा कि आजम खान अब आंसू बहा रहे हैं, लेकिन जब हम आंसू बहा रहे थे और रामपुर के गरीब मजदूरों के घर तोड़े जा रहे थे, बूढ़ी माँ आंसू बहा रही थी, तो उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता था। जयप्रदा ने कहा कि मेरी आजम खान से कोई नाराजगी नहीं है, मैं अब भी उनको भाई मानती हूँ। उन्होंने कहा, जब तक जिंदा हूँ भाई मानूंगी, लेकिन वह मुझे माने कि मैं उनकी बहन हूँ। अगर बहन हूँ तो मैं बहन की इज्जत करें। लोकसभा चुनाव में लोगों ने आजम खान को सांसद बनाया, लेकिन इतना समय सांसद बनने के बाद भी उन्होंने आज तक किसी भी गरीब का दुख दर्द नहीं जाना। उन्होंने कहा कि आजम खान 40 साल से विधायक रहे और 4 बार मंत्री बने, फिर भी रामपुर में रोजगार मुहैया करवाने के लिए कुछ नहीं किया है। रामपुर के युवा रोजगार के लिए दूसरे शहरों में जाकर चक्कर लगा रहे हैं। अत्याचार किए हैं रामपुर वाले, उसका पछतावा है, ये हार का डर है। देखिए, इतने सालों से उन्होंने जो जुल्म गरीब लोगों के ऊपर, उनके गुर्बत के ऊपर जो काम किया है और उनके ऊपर जो जुल्म किया है, उस आंसू का श्राप है। एक एक औरत, बूढ़ी माँ ये आंसू बहा के कह रहे हैं कि हमारे घर पे रात में घुस कर आले हसन और आजम खान साहब के हुकूमत चलने के टाइम उन्होंने घर पे घुसकर एक एक बच्चे को बाहर उठा उठा के फेंक दिया, तो वो माँ झूठ नहीं बोली, उनके आंसू झूठ नहीं। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि गरीब आंसू कोई कीमत नहीं है। आजम साहब मंच पर आंसू बहाते हैं तो वो बहुत बड़ी बात है। आप अखबार में इतने बड़े हेडलाइंस बनाते हैं कि आजम साहब 4 बार मंच पर आंसू बहाए। हमने 10 साल आंसू बहाते कहा कि महिलाओं को सम्मान दो, बहन को सम्मान दो, और हमारे ऊपर अभद्र टिप्पणी करते हैं, तो हम 10 साल से आंसू बहा के कह रहे हैं, तो आपको ये आंसू दिखाई नहीं दे रहा? क्या आज आजम साहब रो रहे हैं? किस लिए रो रहे हैं? परिवारवाद? अरे, उनके पत्नी को मैं भाभी मानती हूँ, उनको सलाम करते हुए मैं कहना चाहती हूँ, तंजीम फातिमा जी को, वो पहले से सांसद थी, सांसद रही और अभी भी सांसद है राज्यसभा की, क्या उन्हीं को सीट देना है? समाजवादी पार्टी के झंडा उठाने वाले कोई भी सीनियर एक कार्यकर्ता हो तो उनको अगर ये सीट देते तो हम उनको हर्ष करते, अभिनंदन देते। परिवारवाद होके बीवी भी सांसद रही और बीवी भी विधायक बनेगी, उनके बेटा भी विधायक बनेगा, खुद सांसद बनेगा और पूरा रामपुर को कब्जा करने के यही एक चाल है। लोग पहचानते रहे, लोगों को मालूम है, लेकिन लोगों को आवाज उठाने की हिम्मत नहीं थी। प्रशासन के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, प्रशासन ने क्या किया? अगर प्रशासन वो सही डिसीजन नहीं लेता तो आज जयाप्रदा जीत जाती है, लेकिन ऐसा नहीं किया प्रशासन। उन्होंने जो काम उनको करना था वो कर लिया, इसलिए आजम खान जीता है। लेकिन आजम खान को मैं भाई कहती हूँ, क्या वो मुझे बहन कहे? हमें अभद्र टिप्पणी करके एक बहन को इस तरह अपमान करते हैं तो बहन के आंसू का कोई वैल्यू नहीं है। ये जो है सिर्फ जो लोग देखने के लिए, दिखावा के लिए वो आंसू बहा रहे, ताकि सिंपथी से फिर से लोगों को गुमराह करके वोट ले दे। हमारे रामपुर के लोग नादान हैं, उनको कुछ पता नहीं, इसलिए लोगों को मैं अवगत कराना चाहती हूँ, ये जुल्म नहीं, जो बोएगा वही काटेगा। दीदी, आजम भाई ने कल खुले मंच से ही कहा कि मैं आज तक जोर से हंसा नहीं, किसी होटल में मैंने चाय नहीं पी, किसी होटल में मैंने खाना नहीं खाया, अगर कोई शख्स ये कहे कि मैंने चाय या खाना खाया तो वो मेरे मुंह पर आकर के थूक दे। देखिए, ये इसके जवाब छोटी छोटी चीजों को मुझे जवाब देने के स्तर पर नहीं है, लेकिन फिर भी एक बात कहना चाहती हूँ, उनको चाय की जरूरत नहीं है, उनको जमीन की जरूरत है और करोड़ों में लूटने की आदत है, इसीलिए सिर्फ चाय क्या होता है, चाय तो गरीब भी पीते हैं।
JBD Banquets lie hai, incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।